नमस्कार। कहते हैं जिंदगी को बेहतर समझना है तो कल को देखें, यानी कि अपने अनुभवों को देखें। जिंदगी को लेकर जो सपने हैं उन्हें साकार करने के लिए आने वाले कल को लेकर प्लानिंग करें, और जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो बस आज में जिए। ना गुजरे कल की चिंता हो और ना ही आने वाले कल की सुध हो, बस अभी इसी पल में है जीना। किसी के लिए साल 2022 सबसे खूबसूरत साल रहा तो किसी के लिए मायूसी भरा, लेकिन इस वक्त सभी की बस यही उम्मीद है कि साल 2023 सबसे बेहतरीन साल होने वाला है, और हमारी भी यही दुआ है, यही उम्मीद है, और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खास शो, नया साल नई उम्मीद नए उत्साह 2023। किस तरह से पूरी दुनिया में नया साल मनाया जा रहा है उसकी आपको दिखाएंगे झलक, और नया साल आने तक आपके साथ ही रहेंगे हम, यानी कि मैं जया सिन्हा और मेरे साथ है चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अब नए साल को लगभग एक घंटे का यहाँ पर समय रह गया है और 11 बज चुका है। लगभग एक घंटे बाद नया साल आ जाएगा, यानी कि 2023 आ जाएगा, और 2022 को हम कह देंगे अलविदा। हमारे इस खास कार्यक्रम में विभिन्न जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से नए साल के स्वागत के लिए जश्न चल रहा है जगह जगह पर, और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि 2022 का अंतिम सूर्यास्त कैसा था, ये भी हम आपको दिखाएंगे विभिन्न जगहों के। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले भारत की राष्ट्रपति की ओर से नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, नए साल के अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नववर्ष की सुबह नई ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे जीवन में नई खुशियां, लक्ष्य, प्रेरणा और बड़ी उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का संकल्प लें। मैं वर्ष 2023 में हमारे गौरवशाली राष्ट्र और लोगों की प्रगति और समृद्धि की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उल्लास का ये पल हमारे लिए देश की प्रगति यात्रा को सुनिश्चित करते हुए अपने प्रयासों को नए जोश और उत्साह के साथ जारी रखने का एक अवसर भी है। आइए हम नववर्ष का स्वागत भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ करें। प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करता हमारा राष्ट्र आज प्रगति, अवसरों और निवेश का एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। आइए अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिलकर साझा प्रयास करें। और नए साल का जश्न और उल्लास हमारे उन वीर सैनिकों को भी याद करने का अवसर है जो देश की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 0 से 21 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में सेना के जवानों ने नए साल के स्वागत का अपना उत्साह एक कार्यक्रम द्वारा जाहिर किया। दूरदर्शन न्यूज की टीम इस आयोजन की विशेष रूप से गवाह बनी। आइए शो की शुरुआत में आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुधीर द्वारा भेजी गई इस विशेष रिपोर्ट की झलकियाँ। साल 2021 की जब शुरुआत हो रही थी तब देश और दुनिया पर कोविड का साया था। साल 2022 की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से रही थी, लेकिन अब जब 2023 का आगाज हो रहा है तब चीन को छोड़ दें तो पूरी दुनिया तकरीबन महामारी के बुरे दौर से आगे बढ़ चली है। यानी महामारी के दौर के बाद साल 2023 का आगाज जश्न और उल्लास के साथ अपनों के संग बेखौफ। भारत में भले ही नए साल के जश्न में अभी समय है, लेकिन जश्न को लेकर उमंग सातवें आसमान पर। ड्रंक करके ड्राइव करने की साथ मनाई है, और अगर ऐसे में कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में इसके लिए विशेष तौर पर 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि नए साल के आगमन पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम पूरी दिल्ली और यूं कहे कि पूरे हिंदुस्तान में किए गए हैं। Yeah!
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, किरबेती सहित जापान और दक्षिण कोरिया में नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में नई उम्मीदें, नई उमंग, नए संकल्प और साल की शुरुआत खुशियों से भरे चेहरे। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न आने वाले अगले 24 घंटे तक मनाया जाएगा और यूएस के माइनर आउटलाइंग आइलैंड में नए साल का जश्न भारतीय समय अनुसार 1 जनवरी की शाम 5:35 पर होगा और इसी के साथ पूरी दुनिया में तारीख हो जाएगी 1 जनवरी 2023। हालांकि चीन की बढ़ती कोविड की घटनाओं और हालातों को देखते हुए भारत में एहतियात बरतने की अपील और आग्रह किया गया है। अब जिम्मेदारी लोगों पर है कि वो जश्न के रंग को फीका न होने दे और अपने साथ ही अपने परिजनों और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु सहित देश के कई महानगरों, पर्यटक स्थलों शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल में पुलिस ने यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। साथ ही ड्रिंक करके वाहन न चलाने की हिदायत भी दी है। राजधानी दिल्ली में तो 18,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। साल 2023 के उत्साह में डूबे लोग जश्न मनाएं खूब उमंग और उत्साह के साथ, लेकिन जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखें। मास्क पहने, सड़क के नियमों का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जोर शोर से लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। यकीनन 2 वर्ष के बाद कोविड महामारी से जूझने के बाद लोग एक बार फिर निकले हैं और उनके चेहरे पे वो रौनक, वो खुशी साफ नजर आ रही है। दरअसल 2 साल तक लगातार कोविड महामारी का दौर हमने देखा और लोगों ने इस तरह के जो जलसे हैं उसमें हिस्सा नहीं लिया था और इस बार खुलकर लोगों को इन जलसों में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा। और साथ ही साथ आज शनिवार का दिन है, कल रविवार का दिन है, कल लोगों छुट्टियां होती हैं अमूमन, तो आज का दिन काफी अच्छा ये इत्तेफाक है लोगों को काफी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां पर्यटन स्थल हैं वो पूरे भरे हुए हैं, होटलों में जगह नहीं है, रेस्टोरेंट जो है उनमें भीड़ लगी हुई है। यही कारण है कि इस बार खुलकर लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि कोविड महामारी के दौर से 2 साल में हमने देखा कि जिस तरह से हालात बने हुए थे लोग थोड़ा सा डरते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई और भारत ने ये भी किया कि उस वैक्सीन को देश के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो दूर दराज के इलाके हों या कहीं के इलाके हों, वहाँ पर उस वैक्सीन को लगाई अपने लोगों को, तो लोगों में काफ़ी इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस भी आया है, लोगों के अंदर उत्साह भी है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं आज लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसको। बिल्कुल, और ये नज़ारों को सीधे आपको दिखाते हैं क्योंकि इस वक्त जैसा हमने आपसे कहा था कि देश भर में हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। दिल्ली के झंडेवाला से हमारे संवाददाता बिक्रमजीत सिंह, बेंगलुरु में नीरज सिंह और धर्मेश भारती जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें दिखाएंगे कि इस तरह से इन तमाम जगहों पर लोग जश्न मना रहे हैं नए साल का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी रौनक है, काफी आतिशबाजी और इस वक्त हम देख सकते हैं रोशनी में नहाए नजर आ रहे हैं तमाम शहर। बिल्कुल, तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेश को हम देख पा रहे हैं, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे फौजी भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये फौजी भाई हमारे कहाँ से जुड़े हुए हैं? अल्मोड़ा से हमारे फौजी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा से। तो सबसे पहले सीधे अल्मोड़ा ही चलते हैं क्योंकि फौज जब हम जश्न मना रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के विभिन्न शहरों में लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन सीमा पर कोई मौजूद है तो वो हमारी फौज मौजूद है, हमारे सुरक्षा बल मौजूद है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं अल्मोड़ा। बिल्कुल, हर वक्त हमारे सैनिक मुस्तैदी से
तैनात रहते हैं, लेकिन नए साल का मौका है, थोड़ा सा जश्न यहाँ भी बनता है और इसीलिए हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जश्न मना रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं लोग, तो नए साल की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं। ऐसे में इसलिए बिक्रमजीत सिंह इस वक्त राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की, और बिक्रमजीत के पास इधर रुक करते हैं। विक्रम, किस तरह का वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं श्रद्धालु पहुंच रहे हैं नए साल का आगाज करने अपने इष्ट के साथ? लगा दो मानो पर्यटन स्थलों पर अगर भीड़ है, या फिर कहें कि दिल्ली के कई ऐसे जो पर्यटन जहां लोग घूमने आते हैं वहां भीड़ है, तो यहां झंडे वाला मंदिर में भी कोई भीड़ कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो यहां मंदिर में जो है नए साल की शुरुआत जो है धार्मिक रूप से करना चाहते हैं। हमारे साथ कई युवा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नया साल है, युवा है आप, आज आप मंदिर आए हैं माथा टेकने के लिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं सबको नए साल की बहुत बधाई देना चाहूँगा, और हमारा नया साल मनाने का तरीका यही है, हम हर साल यहाँ आते हैं और माता रानी के चरणों से ही नया साल जो है वो शुरू करना ठीक समझते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 108 बार लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो वाइब्स यहाँ की हमें बहुत पसंद है, और युवा होने के नाते यही हमारा पहला धर्म है कि नया साल हम ऐसे शुरुआत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। नया साल है, लोग कहीं पर्यटन स्थल में मनाते हैं, खाते पीते, आप मंदिर आए हैं, माथा टेक रहे, ईश्वर का आशीर्वाद लेने आए हैं कि जो नया साल है आपका अच्छा हो, कैसे आप इस बात को बताएंगे लोग? सबसे पहले सभी को जय माता दी। मेरी यही इच्छा है कि सभी नए साल पर स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार ये मेले सारी दुनिया में लग रहे हैं, जैसे हमने कोरोना की मार भी झेली है, तो बस यही कृपा है भगवान से कि ऐसे ही ये मेले लगे रहे और माँ के दरबार में हम युवाओं की भी हाजिरी लगती रहे, और सभी की यही कामना है जी, और नए वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई, जय माता दी। देखिए नया साल है, कोरोना 2 साल रहा है, उसके बाद जो है लोग बाहर निकले, तो ऐसे में लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर भी आए, क्योंकि हालांकि सर्दी है लेकिन इसके बावजूद क्योंकि बीमारी का कोरोना का कोई डर नहीं है, तो इसकी वजह से लोग अपने बच्चों के साथ आए। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं हर साल जब नए साल की शुरुआत माता के दर्शन से करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी आगे यही सीखना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात है कि कई सारे जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुँचे हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और जैसे ही अभी कुछ ही देर में नए साल की शुरुआत होगी तो वो चाहते हैं कि भगवान के दर पे वो रहें और वहाँ पर नए साल की शुरुआत करें। नीरज के पास हम चलते हैं। नीरज, जहाँ पर आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह का उत्साह है नए साल के स्वागत के लिए। देखिए बिल्कुल चंद्रशेखर, मैं आपको दिखा दूं कि ये बेंगलुरु का MG रोड है जो काफी फेमस है खास तौर से नया साल मनाने के लिए, और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेंगलुरु पहुंचते हैं, और खास तौर से जो MG रोड है वहां पर नया साल सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर आते हैं। खासियत ये है कि एक तो बड़ी संख्या में यहां पर शॉपिंग सेंटर हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंटों की एक बड़ी लंबी चैन है, लोग स्ट्रीट शॉपिंग है वो कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से उस तरह का सेलिब्रेशन MG रोड पर देखने को नहीं मिला था। यही कारण है कि लोग भी चाहते हैं कि इस बार जी भरकर वो नए साल का सेलिब्रेशन कर लें। आप देख सकते हैं दृश्यों को कि लोग यहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, अलग अलग तरीके के कह सकते हैं कि नए नए कपड़े पहनकर यहाँ पहुँचे हैं, इसके साथ लाइटिंग लगा लगा कर एक तरह से नए साल का जो स्वागत है वो कर रहे हैं, और जैसे जैसे चंद्रशेखर यहाँ पर 12 बजे के आसपास का समय होगा ये पूरा इलाका एकदम भर जाएगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नीरज, हमें भी इंतजार है 12 बजने का। धर्मेश भारती क्या रुक कर लेते हैं, धर्मेश भारती इस वक्त जयपुर में मौजूद है। धर्मेश, उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोगों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? संख्या के अंदर लोग बाग जो है इकट्ठा हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों के बाद ये जो कोरोना का काल था उसमें लोग कहीं ना कहीं दूर थे, लेकिन ये उस कोरोना काल के बाद ये आप कह सकते हैं कि नववर्ष को मनाने के लिए काफी संख्या के अंदर न केवल स्थानीय लोग बाहर आए हैं,
बल्कि बाहर से पर्यटक भी काफी संख्या में राजस्थान में मौजूद है। कल हम जोधपुर में थे, जोधपुर में भी काफी संख्या के अंदर देश भर से पर्यटक पहुंचे हैं। ठीक उसी प्रकार गुलाबी नगर शहर जयपुर के अंदर भी, जहाँ स्थानीय लोग बड़े उत्साह आए, देख सकते हैं कि जगह जगह लाइटिंग हुई है, बहुत सारी संख्या के अंदर देशी विदेशी सैलानी मौजूद है। ठीक है धर्मेश, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल हम हमारे साथ विक्रमजीत सिंह, नीरज और धर्मेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को बताएं कि नए साल का जश्न और उल्लास हमारे उन वीर सैनिकों को भी याद करने का अवसर है जो देश की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। जम्मू कश्मीर में 0 से 21 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान में सेना के जवानों ने नए साल के स्वागत का अपना उत्साह एक कार्यक्रम द्वारा जाहिर किया। दूरदर्शन न्यूज की टीम इस आयोजन की विशेष गवाह रही। आइए शो की शुरुआत में हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुधीर द्वारा भेजी गई इस विशेष रिपोर्ट की झलकियां। ख्वाब का कमाल नया लाया है, दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना, तुम्हारे वास्ते यह साल नया लाया है। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अधिकारीगण, सरदार साहिबान एवं DDNEEZ की टीम और मच्छल ब्रिगेड के बहादुर जवानों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन के शुभ अवसर पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। नव वर्ष की आहट कह रही है कि उसके स्वागत का भी कुछ इंतजाम हो जाए।
बादल थाम लो दिल को सब ये जमीन चूम कर सब कहो झूम कर ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा जलवा तेरा जलवा -21 डिग्री में देखा हमने किस तरह से जवानों का उत्साह, और जरा भी उत्साह में कमी नहीं है इतनी कड़ाके की ठंड में भी। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उर्मिलेश उत्तराखंड में हैं, अल्मोड़ा में। उर्मिलेश बताइए आप कहां पर हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप जवानों के बीच में हैं, तो बताइए किस तरह से वहां पर उत्साह है जवानों के बीच में, इनसे बातचीत भी कीजिए और हमें दिखाइए भी कुछ खास प्रस्तुति अगर ये देना चाहें तो। समय हम लोग जो न्याय के देवता है गोलू, उनकी धरती अल्मोड़ा में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जो नए साल है, उस नए साल के स्वागत के लिए यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। हम लोग इस समय जो है ये जो सेक्टर हेडक्वार्टर है अल्मोड़ा का, यहाँ पर एसएसपी का जो हेडक्वार्टर है, इसमें इस समय हम लोग हैं। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर की जो हमारे जवान है, जो हमेशा की हमारे जो प्रहरी रहे सीमाओं पर रहते हैं, जिससे कि हम अपने घरों में चैन से सोते हैं चंद्रशेखर, निश्चित तौर से इन लोगों का भी, ये हमारे असली हीरोज हैं जो सीमा पर लगातार रहते हैं, प्रहरी रहते हैं, हमारे सीमा के प्रहरी हैं, हमारे असली हीरोज हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नया साल जो 2023 आने वाला है उसके जश्न के जो है किस तरीके से यहाँ पर जो उसके स्वागत के लिए जश्न मनाया जा रहा है चंद्रशेखर और जया। और जैसे कि चंद्रशेखर आप जानते हैं कि हमारे तमाम, अगर हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे जवान हैं इन जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और तब जाके हम जो है अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। चंद्रशेखर आज जैसे कि हमारा पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन जवानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है चंद्रशेखर। और आप देख सकते हैं उर्मिलेश को एक खास प्रस्तुति अगर ये लोग देना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। जी चंद्रशेखर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर भांगड़ा चल रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य है छलिया वो चलेगा, उसके बाद यहाँ पर हिमाचल का जो नृत्य है वो चलेगा। लिहाजा जो नए साल का जो जश्न है यहाँ पर 2023 का, उसके तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन जवानों में नए साल 2023 के लिए जो उत्साह है, जो जोश है, वो काबिले तारीफ है चंद्रशेखर। थोड़ा इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए उर्मिलेश, देश भी देखना चाहता है कि हमारे सैनिकों में किस तरह का जोश है। चंद्रशेखर हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ यहाँ पर एसएसपी के तमाम जवान हैं और अधिकारी हैं। आप जो है नया साल का उत्सव मना रहे हैं, क्या कुछ कहना है अपने घर वालों से, कुछ कहना है नए साल के मौके पर? ये कहना चाहते हैं कि हम घर तो नहीं पहुँच पाए, पर यहाँ से अपने घर वालों और देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं। सबको नया साल मुबारक हो। बस ये आप जो है देश की सीमा पर रहते हैं, देश की सीमा पर जो है रहते, अपने घर से दूर रहते हैं, हम अपने घरों में चैन की नींद तभी सोते हैं जब हमारे जवान सीमा पर जो है पहरा देते हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे देशवासी? बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जवान सब परिस्थितियों में डटे हुए हैं और
हम देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। हमारे जोश और जो होश है हमारे जवानों का वो बहुत कम कीमती है और पूरे देशवासियों को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं और सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जय हिंद। जी तो चंद्रशेखर आप देख सकते हैं, इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर जो है जो छलियन भारत माता की जय और जय हिंद के जयकारे के साथ नए साल का जश्न में डूबे हुए हैं हमारे सैनिक भाई। रामेंद्र का रुख करते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। जी रामेंद्र, किस तरह से वहां पर नए साल का उत्साह और जश्न आपको दिखाई दे रहा है? भारत ऐसी धरती है जो सभी संस्कृतियों का आत्मसात करती है। उल्लास उत्साह का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे जहाँ की संस्कृति हो चाहे जहाँ का त्योहार हो मनाते हो सब। मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बच्चे संगीत की गुनगुन कर रहे हैं, आग जल रही है, लोग अपने अपने तरीके से व्यंजन बना रहे हैं। तो पूरा उत्साह है पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए अलग से व्यवस्था सरकार ने की है, अलग से पुलिस व्यवस्था तैयार की गई है कि कहीं कोई परिस्थितियां विपरीत न हो, तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। उल्लास का उत्साह का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में, हालात है। ठीक है रामेंद्र, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 31 का दिन है और हालांकि लोग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन होता यह है कि अराजक और असामाजिक तत्व भी काफ़ी मौजूद रहते हैं ऐसे में, और नशे का, ड्रग्स का, ये सब काफ़ी इस्तेमाल गलत तरीके से होता है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया गया है वहाँ पर? योगी की सरकार है चाहे नहीं होता, ये पहले की बातें जब हुआ करती थी। लोग अगर नशा करते भी है तो अपने घरों में करते हैं, सड़क पर नाटक नहीं होता है, और पुलिस हर चौराहे पर तैनात की गई है, उस हर जगह पर पुलिस तैनात की गई है। जहाँ के कार्यक्रम हो रहे ये परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं दिखती है कैसी कोई चीजें घटित होगी। ठीक है ठीक है ठीक है रामेंद्र, विक्रम और नीरज आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम दर्शकों को काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। दरअसल 2022 का अंतिम सूर्यास्त कितना खूबसूरत देश के विभिन्न शहरों में, आइए आपको दिखाते हैं। मुंबई के ये दृश्य आप देख रहे हैं, मुंबई में आज शाम को 2022 का अंतिम सूर्यास्त, आप देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। समुद्र के ठीक सामने सूर्य आपकी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो रहा है। 2022 का अंतिम सूर्यास्त है ये, और अपने आप में एक बड़ा संदेश इस सूरज की ओर से दिया जाता है। सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन अस्त होता है सूरज उदय होने के लिए, और जब उदय होगा तो 2023 आ चुका होगा। ये देखिए आप खूबसूरत नजारा मुंबई से, और शिमला में भी 2022 के अंतिम सूर्यास्त का दृश्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिमला एक बेहद मशहूर पर्यटन स्थल है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे 2022 के अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए शिमला। तो देखिए बादलों के बीच में अटखेलियां करता हुआ सूरज, हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली की ओर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, उसके सामने सूरज अस्त होता हुआ ये खूबसूरत नजारा अलविदा कह रहा है 2022 को, और लगभग आधे घंटे का समय रह गया है, उसके बाद 2023 शुरू होगा और ये सूर्यास्त है 2022 का अंतिम, दिल्ली से कैद किया गया है अक्षरधाम मंदिर के सामने। खूबसूरत नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। और नए साल की बात हो और गोवा का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो ये है गोवा की राजधानी पणजी में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग समुद्र के किनारे पहुंचे और 2022 के अंतिम सूर्यास्त को उन्होंने देखा। केरल की ओर आपको लिए चलते हैं, केरल के तिरुवनंतपुरम के कोलम बीच का ये नज़ारा है 2022 का अंतिम सूरज यहाँ ढल रहा है धीरे धीरे।
और कल जब सूर्यास्त होगा तो 2023 होगा। खूबसूरत नजारा केरल के कोवलम बीच से। हैदराबाद की मशहूर झील हुसैन सागर के पास भी 2022 के अंतिम सूर्यास्त का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वाकई बेहद खूबसूरत नजारे थे ये सूर्यास्त के। आज देश भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं लोगों के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए। नीरज का रुख करते हैं, बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद है नीरज। नीरज, एमजी रोड बहुत ही मशहूर जगह है, रोड है, और बेंगलुरु आईटी क्राउड कहते हैं, युवाओं का क्राउड है वहां पर, बहुत ज्यादा संख्या में लोग निकले हुए हैं। क्या कुछ अनूठा तरीका है, क्या कुछ नए तरीके से मना रहे हैं? कई लोग अपना घर से दूर वहां पे काम करते हैं तो क्या घर वालों को भी मिस करें? किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है नया साल का? देखिए, बिल्कुल घर वालों को तो जरूर मिस करते होंगे क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं काम करने के लिए, आईटी कंपनियां हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में जो युवा है देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर काम करता है। और एमजी रोड इसलिए भी महत्वपूर्ण है जया कि जब कर्नाटक के अंदर जब भी कोई बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो एमजी रोड सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि गैदरिंग वाली जगह है, और ख़ास तौर से जब नए साल का सेलिब्रेशन हो तो एमजी रोड का रुख हर कोई करता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर यहाँ एमजी रोड पर पहुँचे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो कोविड है उसका पालन भी कर रहे हैं, मास्क लगा भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पर सीधे आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर कह सकते हैं कि पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये अपने आप में खूबसूरत है क्योंकि लोगों को भी पता है कि पिछले दो साल किस तरीके से गुजरे हैं, कोरोना का खौफ में वो लोग जिए हैं, उसके बाद जी भरकर जो सेलिब्रेशन है वो लोग करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। और ये अलग अलग जगह के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से जो युवा यहाँ पर काम करते हैं वो एमजी रोड पर सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। अच्छा, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि चूंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की रहे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग हैं तो सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मचान पर मौजूद है, पूरे इलाके में सीसीटीवी है, यातायात कर्मियों को उतारा गया है क्योंकि आपको पता है कि बेंगलुरु की यातायात व्यवस्था कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है और ख़ास तौर से अगर आज की बात करें तो एकदम कॉलैप्स हो गई है यातायात व्यवस्था क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो निकलकर यहाँ एमजी रोड और उसके आसपास पहुँचे हैं। और यही कारण है कि इस आसपास के पूरे इलाकों में जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है क्योंकि आम दिनों में भी हैदराबाद जो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक है वो लोगों को परेशान करता है और आज तो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है हमारे पुलिस कर्मियों के लिए और हमारे यातायात कर्मियों के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ही जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और उनकी सुविधाओं का और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है यहाँ के प्रशासन के द्वारा और यहाँ की पुलिस के द्वारा। ठीक है, आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। हम दर्शकों को बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल के स्वागत के लिए ज़बरदस्त रौनक है और विभिन्न जगहों पर हम दर्शकों को लिए चल रहे हैं। ये आप देखिए, मुंबई में समुद्र किनारे जमा हुए लोग नए साल के इंतज़ार में पलकें बिछाए हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, और 2022 को अलविदा कहने के लिए और 2023 का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। गुड बाय 2022, वेलकम 2023। जी हाँ, नया साल, नई उम्मीदें और उसी का जश्न है।
हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे लोगों की। मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में नए साल को लेकर बेहद उत्साह है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, खास तौर पर इस पर्यटन स्थल में पहुंचे हुए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, 2022 को अलविदा कहने के लिए। और आइए अब आपको ये मसूरी की ओर हम लिए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं मसूरी में काफी संख्या में वहां पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। नए साल के स्वागत के लिए वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। मसूरी के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और गोवा में लोग नए साल के जश्न में सराबोर नजर आ रहे हैं। आज की रात पणजी में कुछ ज्यादा ही रौनक देखी जा रही है। गोवा में देश भर से लोग पहुंचते हैं नया साल का जश्न मनाने के लिए। खासतौर पर कई तरह के कार्यक्रमों का वहां आयोजन किया जाता है और उसी की एक झलक वानगी हम यहां देख रहे हैं। तो ये कोच्ची के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर विदेशी पर्यटक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आज देश के कई हिस्सों में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं और पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ है। ये कोच्ची के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह वहां पर है नए साल के स्वागत के लिए। और नए साल की पूर्व संध्या पर वाराणसी में गंगा आरती के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी की एक गंगा आरती जिसे देखने के लिए दुनिया भर से खास तौर पर लोग पहुंचते हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए, इससे बेहतर दृश्य क्या हो सकता है। तो काशी में आपने देखा कि किस तरह से नए साल के स्वागत के लिए वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और साल की अंतिम जो गंगा आरती है वो भी हमने आपको दिखाई। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कैसे विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार नए साल पर काशी विश्वनाथ धाम में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए, दर्शन किए और काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य कार्य है, जो व्यवस्था देखते हैं, वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, इस बार आप लोगों ने पिछली बार की भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की है? श्री काशी विश्वनाथ धाम में नव वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या आने की अधिक संभावना है, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी करके रखे हैं। न्यास द्वारा निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएँ करनी है वो कर लें। हम लोगों ने पिछले वर्ष से अनुभव लेते हुए इस बार हमने प्रॉपर बैरिकेडिंग की है, श्रद्धालुओं के लिए कतारबद्ध रूप से होकर दर्शन कराने की व्यवस्था की है। साथ ही जो टिकट फैसिलिटी थी वो कुछ दिन के लिए बंद कराई ताकि श्रद्धालु
श्रद्धालुओं को ज्यादा देर तक वेट न करना पड़े, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने लगातार तैयारी कराई है। ये जो झांकी की, झांकी दर्शन की क्या व्यवस्था, कितने दिन के लिए? नहीं, नॉर्मली हम वैसे भी झांकी दर्शन व्यवस्था कराते हैं, लेकिन कुछ जो जनता है उसके जो श्रद्धालु उनके डिमांड पे हम कुछ देर के लिए खोलते हैं कि लोग अंदर से भी जाके दर्शन कर लें, परंतु जब भी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दिशा में वो हम अंदर वाली व्यवस्था को बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए खोलते हैं कि लोग अंदर से भी जाके दर्शन कर लें, परंतु जब भी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दिशा में वो हम अंदर वाली व्यवस्था को बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो वो झांकी दर्शन पूर्ववत ही रहता है, बस उस दिन पूर्णतया हो जाता है कि उस दिन फिर किसी दिशा में हम अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, उस दिन बाहर से सभी को दर्शन कराते हैं, ये व्यवस्था रहती है। गर्भगृह में जाने की व्यवस्था इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसी व्यवस्था काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने की है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि ठंड कैसी पड़ रही है वहां पर, और इस ठंड के बीच नए साल के स्वागत के लिए किस तरह का उत्साह है? चंद्रशेखर, जैसा कि आप गंगा आरती से ही दिखा के शुरुआत किए हैं काशी की, और काशी की जो शुरुआत होती है वो सुबह बनारस के नाम से भी जाना जाता है, सुबह से होती है, प्रातः से होती है, तो जो नया साल शुरू होगा 12 बजे के बाद, उसके पहले जो उसके स्वागत के लिए लोग, मैं यहाँ वाराणसी के प्रसिद्ध बनारस क्लब में हूँ, बहुत से इसके मेंबर्स आ रहे हैं, उत्साह में हैं, उमंग में हैं, 2022 को विदा करने के लिए और 2023 का स्वागत करने के लिए। एक परिवार है जो आया हुआ है, उनसे बात करेंगे, चूँकि हर पीढ़ी के लोग इनके साथ हैं। आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, और नौ वर्ष में जिस तरह से पिछले वर्ष में डेवलपमेंट हुआ है बनारस का, उसी तरह से उससे डबल स्पीड से बनारस का विकास हो, और हम लोगों के जो माननीय सांसद हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका लगातार जो है उसी तरह से उत्तरोत्तर वृद्धि हो और अच्छा जो है वो करें। ये एक युवा हैं, आप क्या कहेंगे नव वर्ष पर काशी से? हैप्पी न्यू ईयर। हम अपने सारे भाइयों, अपने दोस्तों को कहना चाहेंगे, और अच्छे मतलब अच्छे से रहें, अच्छा सा डेकोरेशन करें, बस यही छोटा सा। ये भी एक युवती हैं जो इस बनारस क्लब में आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी आप इस नव वर्ष में? वेल, दिस सिस्टम रॉक्स बनारस क्लब, रॉक्स बनारस रॉक्स बिकॉज ऑफ मिस मोदी जी, एंड इट्स ऑल फन, वी आर एंजॉयिंग इट। थैंक्स टू दीपक मदोक जी फॉर दिस। ये देखिए, ये बनारस में विकास की बात हो रही है, यहाँ के सांसद की बात हो रही है जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और किस तरह से नववर्ष में जो शुभकामनाएं भी हैं काशी से, वो विकास की बात करके की जा रही हैं। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आप देख सकते हैं कि जो लोग आए हैं दो साल से, चूंकि नहीं वो कर पा रहे थे, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि जरा दिखाएं कि ये किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, 2023 का एक लाइटिंग की गई है, और सेल्फी पॉइंट भी वो बन गया है, जैसा कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री सेल्फी पॉइंट की बात करते हैं किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में, किसी भी त्यौहार में, तो वही आयोजन यहाँ पे बनारस क्लब में भी है। 2023 को लाइट से सजाया गया है, और उसके जो जीरो है उसको सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोग वहाँ पे आके अपनी सेल्फी ले रहे हैं, और ये बनारस क्लब में इसके अलावा म्यूज़िक और डांस की भी व्यवस्था की गई है, जो लोग 2022 को विदा कर रहे हैं और 2023 के स्वागत के लिए यहाँ पे उमड़े हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश हमें नज़ारे दिखाने के लिए। सीधे रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मुकेश। मुकेश, किस तरह से इस्कॉन में अलग तरीके से मनाया जा रहा है नए साल का जश्न? मुकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, मुकेश से हम कनेक्ट करने की कोशिश अभी कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हरिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। हरिकेश, हमने अपने दर्शकों को गंगा आरती दिखाई, आज साल 2022 की जो अंतिम गंगा आरती है वो हमने दिखाई, आपने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, उन्होंने अपने सांसद यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी याद किया, उन्होंने बनारस के विकास की भी उन्होंने बात की,
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पिछले दो साल कोविड का दौर था और इस बार जो नया साल है उसमें हम एक खास बात ये देख रहे हैं कि देश के जो तमाम पर्यटक स्थल हैं वो खचाखच इस बार भरे हुए हैं और बनारस एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है और वहाँ का क्या कुछ हाल है नए साल के अवसर पर, किस तरह वहाँ पर पर्यटक पहुँचे हुए हैं? वही चंद्रशेखर, पिछली साल जो है जब 2013 दिसंबर को लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री ने और उसके तुरंत बाद जब नया साल पहला दिन पड़ा, पहली जनवरी पड़ी, तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए थे काशी विश्वनाथ धाम के। और अब तो पूरे विश्व में लोग जान चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया भी कि काशी विश्वनाथ न्यास ने कैसी व्यवस्था की है लोगों के दर्शन के लिए, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु आएंगे काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने। आपको इस समय अगर आप कहीं भी किसी होटल, धर्मशाला या ठहरने के स्थान पर जाते हैं तो आपको फुल मिलेगा, कहीं पे भी आपको खाली नहीं मिलेगा। इवन जो सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं वो भी भरे हुए हैं, कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। इसका मतलब है कि जो धार्मिक पर्यटन है, जो धार्मिक पर्यटक हैं, वो काशी में आ चुके हैं। वो या तो 2022 के समाप्त होने के दिन यहाँ पे रह के दर्शन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के, या आने वाले नए साल 2023 में बाबा के दर्शन करके वो अपनी साल की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे कई पर्यटकों से मेरी मुलाकात भी हुई जो यहाँ पर इसलिए ही आए हैं कि वो अपने धार्मिक पर्यटन, अपने धर्म के भाव से इस नए साल की शुरुआत कर सकें। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो काशी में रहने वाले हैं या जो काशी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो इस भीड़ में, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे ऐसी उम्मीद है लाखों की संख्या में, तो जो यहाँ के रहने वाले हैं वो जो आसपास के और भी प्रसिद्ध मंदिर हैं बाबा भोलेनाथ के, उन मंदिरों में भी दर्शन के लिए जाते हैं। और आपको मैं बताऊं चंद्रशेखर कि काशीवासी लगभग हर मंदिर में आपको भीड़ दिखाई देगी काशी के, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो छोटे मंदिर हैं, क्योंकि लोग अपनी शुरुआत ही साल की, नए साल की शुरुआत ही करना चाहते हैं अपने धर्म के माध्यम से, अपने मंदिर में जाकर अपने भगवान के दर्शन करके माध्यम से। और चूंकि ये धार्मिक नगरी है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि कल यहाँ के घाट पर भोर से ही लोग गंगा स्नान के लिए भी जाएंगे और गंगा स्नान करने के बाद, पवित्र स्नान लेने के बाद ही अपने जो बाबा हैं भोलेनाथ हैं उनके दर्शन के लिए, जो भी मंदिर उनके घर के करीब है जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। क्योंकि ये काशी में तो लोग मान के चल रहे हैं कि इतने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे कि चलिए ठीक है हरिकेश, बिल्कुल हम दर्शन करना तो। देश के एक दूसरे पर्यटक स्थल उत्तराखंड की ओर चलते हैं, वहाँ पर अल्मोड़ा में हमारे संवाददाता हैं उर्मिलेश, वहाँ पर मौजूद हैं, SSB का कैंटोनमेंट है वहाँ पर वो मौजूद हैं। ओवर टू यू उर्मिलेश, क्या कुछ चल रहा है, बल्कि हो सकता है तो आप ये सीधा ये कार्यक्रम हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। जो ये सेक्टर हेडक्वार्टर है यहाँ पर है अल्मोड़ा में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे जवान है, SSB के जवान है, वो लगातार यहाँ पर जो नया साल आने वाला है 2023, जिसका काउंटडाउन मात्र कुछ मिनट ही बाकी रह गए हैं, उसके उत्साह को लेकर के यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो उर्मिलेश, अच्छा होगा कि आप इस कार्यक्रम का ऑडियो भी हमारे दर्शकों को सुना दें, ये कार्यक्रम दिखा दीजिए पूरा। Thank you.
ठीक है उर्मिलेश, हम ये जानना चाहेंगे कि उत्साह किस तरह का देख रहे हैं आप वहाँ पर जी, और साथ ही साथ एक सवाल और भी आपसे जानना चाहेंगे उर्मिलेश, आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो पर्यटक स्थल हैं वो खचाखच भरे हुए हैं, उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है? जी चंद्रशेखर, एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे उर्मिलेश, तमाम जो पर्यटक स्थल हैं आज हम देख रहे हैं, देश के तमाम पर्यटक स्थल आज खचाखच भरे हुए हैं, उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का क्या कुछ हालात है? जी चंद्रशेखर, बिल्कुल उत्तराखंड में भी तमाम, आप जानते हैं कि यहाँ पर कई पर्यटक स्थल है और पर्यटक जो भी टूरिस्ट होता है उनकी जो है पहली पसंद हमेशा, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि उत्तराखंड होती है, मसूरी नैनीताल के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं चंद्रशेखर जहाँ पर कि आज तमाम जो पर्यटक हैं वो पर्यटक जो है 31st को नए साल का जो, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि नए साल का जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर वीर सैनिकों के साथ, और जो पहाड़ों का ये लोक संगीत है यकीनन कितना मीठा है, और इसी मिठास के साथ वहां पर नए साल का स्वागत कर रहे हैं ये सैनिक। रुक करते हैं सीधे मुकेश का। मुकेश इस वक्त राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। मुकेश, इस्कॉन में किस तरह अनूठे तरीके से नए साल के जश्न की आप इस वक्त झलक देख रहे हैं? बिल्कुल जया, जिस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 2022 जा रहा है और 2023 आने को तैयार है, कुछ ही मिनट में नए साल का आगाज होगा, और आप ये माहौल देखिए, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कितना उत्साह है लोगों के अंदर। और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु बहुत देर से इसी तरह से हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पे नाचते नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार नजारा यहाँ का है इस्कॉन टेम्पल का। यहाँ पर आप काफी देर से बैठ करके देखेंगे कि कितने व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का जितना उनको आशीर्वाद मिलेगा उतना अच्छा होगा। और ये भक्त खाली ये बताने के लिए नहीं है, बहुत छोटे छोटे इलाकों से यहाँ आए मुकेश, कई लोग ये दृश्य हमें ऑडियो के साथ आप अगर दिखा दें हमारे दर्शकों को तो। बिल्कुल, आप ऑडियो के बाद ये देख सकते हैं कि कितना शानदार नजारा है चंद्रशेखर। ये बहुत देर से यहाँ पर इसी तरह हरे कृष्णा हरे रामा के धुन पे नाचते थिरकते दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं पैन करके दिखाऊंगा कि कितना माहौल है, करके बैठे हुए मुकेश तो मुकेश, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा जो वहाँ पर भजन कीर्तन और जो कुछ चल रहा है उसका लुत्फ उठाएं, तो थोड़ा सा माइक आप उस ओर कर दीजिए ताकि ऑडियो भी हमारे दर्शक सुन सके। बिल्कुल, आपको चंद्रशेखर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जितना यहाँ पर आप देखिए डांस गाना चल रहा है, ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे यहाँ पर काफी देर से मौजूद हैं और काफी समय से इसी तरह से थिरक रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा पे। ना केवल यही तस्वीर है, पूरे भारत में ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए कितना इनके मन में उत्साह है, कितना ये नए साल का जश्न मनाने को बेताब है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं इस प्रांगण में और सभी इस समय बिल्कुल उत्साह से हमें ये दृश्य दर्शन। बिल्कुल मुकेश, हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे पूरे देश के दर्शक ही मुकेश, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो कृष्ण भक्ति में वहाँ पर लोग सराबोर हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि मुश्किल से अब 4 मिनट का समय रह गया है, 4 मिनट के बाद वो घड़ी आ जाएगी जब हम 2023 में चले जाएंगे और 2022 को
अलविदा कह जाएंगे। बिल्कुल, और दिल्ली के झंडे वालान में नए साल के जश्न को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग नए साल का स्वागत मंदिर में दर्शन और पूजा से कर रहे हैं। फर्स्ट को यहाँ पे परिक्रमा होती है, बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी सारे भक्तजन आते हैं पूरी थ्रू आउट दिल्ली से, और 108 यहाँ पे परिक्रमा होती है, तो माता रानी का आशीर्वाद है तो लेना ज़रूरी है नए साल में प्रवेश करने के लिए, तो इसलिए हम आते हैं हर साल यहाँ पे। पिछले 2-3 साल से कोविड के चलते ये हो नहीं पाया था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है देख के कि थिंग्स कमिंग टू नॉर्मल बैक, और जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर सबको। नया साल शुरू करें ऊपर वाले का नाम लेके, ताकि सब कुछ अच्छा हो, वो भी ज़रूरी है सब कुछ करने के साथ साथ। माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि साल बहुत अच्छे से बीते। तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो, आकांक्षाओं से भरा हो, और 2022 की चिंता और डर को हम छोड़कर आकांक्षाओं के साथ, गर्मजोशी के साथ नए साल में प्रवेश करें, यही उम्मीद है सभी की। तो नए साल में प्रवेश करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि 2022 की अंतिम शाम दिल्ली के इंडिया गेट और उसके आसपास के नजारे कैसे रहे। राजधानी दिल्ली का आइकॉनिक प्लेस, आइकॉनिक पर्यटन स्थल राष्ट्रपति भवन, रोशनी से नहाया हुआ इंडिया गेट, यहां पर भी हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। चंद्रशेखर, ये थोड़ी पहले की तस्वीरें, मेरे ख्याल से इस वक्त तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये दरअसल शाम की तस्वीरें हैं, लेकिन आप देखिए कि कुछ दिनों पहले से जो यहाँ पर एक नया एक तरीका अपनाया गया है कि यहाँ पर जो लाइटिंग कर दी जाती है वो इस पूरे इलाके को और खूबसूरत बना देती है। विभिन्न तरहों की जो लाइटिंग है यहाँ पर, लाइट एंड साउंड शो का यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है शाम को, और उसके बाद इस पूरे इलाके में लाइटिंग की जाती है। कर्तव्य पथ को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, और दरअसल अभी वहां पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी चल रही हैं, और अब हमें लगता है कि हमें अब काउंटडाउन शुरू करना चाहिए। 11:59 तो नया साल, नई उम्मीद, नया उत्साह, 2023 बिल्कुल आकांक्षाओं से भरा रहने वाला है ये नया साल, और इसलिए खुद पर विश्वास हमें रखना है। उम्मीद यही है कि नए सपने हो, सबके अधूरे काम जरूर बने नए साल में, यही हमारी शुभकामना है। और बिल्कुल, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और 2022 में भारत का परचम जिस तरह से रोशन हुआ है पूरी दुनिया में, हम ये आशा करते हैं कि अगले साल भी भारत का परचम इसी तरह से ऊपर की ओर चढ़ेगा, भारत का नाम रोशन होगा, और ये काउंटडाउन अब बिल्कुल शुरू हो गया है। तारीख बदल गई है, समय बदल गया है, और साल भी बदल गया है। बिल्कुल, 2023 की शुरुआत हो चुकी है, 1 जनवरी 2023 की शुरुआत हो चुकी है, और विभिन्न जगहों पर अब इस नए साल का स्वागत भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, बेंगलुरु में वो मौजूद हैं। नीरज, बिल्कुल, तो बहुत बहुत बधाई नए साल की आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत आपको भी बधाई चंद्रशेखर, नए साल की। 2022 कैसा भी रहा, किसी के लिए अच्छा रहा, किसी के लिए खट्टा मीठा रहा, लेकिन अब यही है कि अब साल 2023 बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सब स्वस्थ रहें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ आप नए साल का जश्न मनाएं, क्योंकि ये सब हम अभी जानते हैं कि उस अदृश्य दुश्मन का खतरा अभी टला नहीं है, तो इसीलिए हम सभी को नए साल का, नई उम्मीदों का, नए जोश के साथ करना चाहिए स्वागत। तो नया साल शुरू हो चुका है, और विभिन्न जगहों पर जहां जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं वहां हम चलेंगे, वहां किस तरह से नए साल की
शुरुआत जो हुई है उसमें किस तरह का उत्साह लोगों में है, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नीरज सिंह कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दूसरे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2021 और 2022 की हम बात करें, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का बहुत ज़्यादा फर्क इन दो सालों में दिखा है, लेकिन 2021 में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया पूरी दुनिया में। भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपनी वैक्सीन बनाने के बाद उसको पूरे देश में जगह जगह पर, इतना डिफ़िकल्ट जो जियोग्राफी है भारत की, उसके बावजूद भी जगह जगह पर उस वैक्सीन को भारत ने पहुंचाया। 2022 के दौरान कोरोना महामारी से जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो कोरोना महामारी से किस तरह से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, ये भी आपने देखा। और अर्थव्यवस्था आज भारत की काफ़ी मजबूत है। भारत दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त पर बन चुका है। तो हम आशा करते हैं कि 2023 में जिस तरह से जो भारत की रफ्तार रही है पिछले 2-3-4 सालों में, हमने जो भारत की रफ्तार देखी है, वो रफ्तार और तेज होगी आने वाले समय में, ये हम आशा करते हैं। भारत ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात 2023 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में भारत 2022 के अंतिम जो 1 दिसंबर की तारीख थी तब से भारत G20 का अध्यक्ष बन चुका है, और 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में होगा। अल्मोड़ा आपको लिए चलते हैं, ये देखिए। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम इस वक्त हम देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अल्मोड़ा में जहां पर सैनिक जश्न मना रहे नए साल का, तो इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की तस्वीरों के साथ उसके जश्न में डूबे हुए हैं लोग। अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पर भारी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। जाहिर है दो साल सभी ने बेहद संयम बरता, कोरोना महामारी से जूझे, लड़े। एम्बेर கருப்புதுரை, நான் இந்த டிஜிபி ஆபீஸ்ல தான் வொர்க் பண்ண नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2023। नए साल का जश्न आतिशबाजी के साथ रोशनी में नहा इस वक्त देश का हर एक कोना। लोग भारी संख्या में बाहर निकले अपने घरों से नए साल का जश्न मनाने के लिए, लेकिन कई जगहों पर उत्तर भारत में जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी भी पड़ रही है, तो एक बड़ा तबका ये भी है जो घर में भी नए साल का जश्न मना रहा है। बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, नई उम्मीदें, नए जोश, आकांक्षाओं से भरा हुआ। इसलिए खुद पर रखें विश्वास और बस बड़े बड़े सपने देखें और जुट जाएं उन्हें पूरा करने के लिए साल 2023 में। बैंक इस वक्त रुक करते हैं अपने संवाददाता मुकेश का। मुकेश दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। जी मुकेश, हैप्पी न्यू ईयर, सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ही लोगों के बीच में हैं, आप वहाँ जश्न मना रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नव वर्ष की जिस तरह से आगाज हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस नए साल की। ये देखिए किस तरह का माहौल है, आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर जो है वो हर्षोल्लास का माहौल है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नए साल के जश्न को खुशी से मना रहे हैं।
बीता साल भी भारत के लिए काफी शानदार रहा था, भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बना था पूरे विश्व की, उसके बाद आप देखिए G20 की मेजबानी और ये तमाम उम्मीदों के साथ भारत आगे बढ़ता हुआ, और यूं कहे कि एक बार 2023 में भारत नई बुलंदियों को छुएगा। ये लोग जिस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा पल है इनके लिए और कितनी बड़ी कितनी ऊर्जा इनके अंदर, देखिए आप कितनी देर कृष्णा के इस भजन पर कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा माहौल इन्होंने बना रखा है। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए घरों से निकल करके आए हैं और यहाँ पर नए साल के इस आगाज को अपने साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे, ये वो तमाम युवा हैं जो समझ रहे हैं नए साल का क्या इनके लिए महत्व है, और ये पिछले कई घंटों से जया या यूं कहे कि बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर आनंद लेते हुए पुराने साल को इन्होंने हंसते हुए विदा किया और नए साल का पूरे जोश के साथ इन्होंने मजा लिया है। ये देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों पर यहाँ पर लोग थिरक रहे हैं, गा रहे हैं और भजन कीर्तन चल रहा है। ये पूरा माहौल बना करके दिखा रहे हैं कि कितना शानदार आगाज हुआ है नए साल का और इसकी उम्मीदें थी। तस्वीर अपने आप आपको सब कुछ दिखा रही है, ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, बस उम्मीद यही है कि नया साल नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेगा और काफी कुछ हमारे जीवन में। बिल्कुल मुकेश, हम भी सुनना चाहेंगे हरे रामा हरे कृष्णा की धुनों को, भजन को। थोड़ा देखिए किस तरह से युवा थिरकते नजर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनवाएं ये। बेहद सकारात्मक तस्वीरें इस वक्त हमें पूरे देश से मिल रही हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान, सभी बेहद गर्मजोशी के साथ ऊर्जा के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। हम इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जी हां, उम्मीदों से भरा होगा नया साल, यही हमारी भी उम्मीद है, और हर गुजरता साल बहुत कुछ हमें सिखा जाता है, उसी सबक के साथ उन्हीं सीख के साथ हमें आगे बढ़ना है। नया साल नई खुशियां लाएगा, नई सौगातें लाएगा हम सभी के लिए, यही उम्मीद है, यही शुभकामना है हमारी पूरे दूरदर्शन न्यूज के परिवार की ओर से आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने दोस्तों अपने परिवारों के बीच रहें। सभी की कोशिश होती है कि नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे से करें, तो नए साल की शुरुआत में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में हमने देखा थी, तस्वीरें देखते हैं राजधानी दिल्ली के झंडेवाला से, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह। जी विक्रम, आपको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमें? देखिए, आपको और हमारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए इस समय जो है, हालांकि नववर्ष जो है कोई धार्मिक कोई उत्सव नहीं होता है, लेकिन लोगों की बहुत भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस समय माता की शयन आरती चल रही है और ये भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार का नज़ारा है। लोग जो है कितनी भारी संख्या में इस समय जो है नए साल के समय माता के दर्शन के लिए मौजूद है, लोग माथा टेकने के लिए, ताकि उनका जो नया साल है वो जो है शुभ रहे, कोई विघ्न ना आए। तो तमाम प्रकार के आशीर्वाद लेने के लिए हम आते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी काफी मौजूद हैं यहाँ पे। पहले हमने आपको युवाओं से बात कराई थी, इस समय हम बुजुर्ग से बात कराते हैं। बहुत सर्दी है, लेकिन नए वर्ष आप मंदिर आए माता जी, हमारे साथ आते हैं 31 तारीख साल आते हैं हम, और यहाँ पे हमेशा यहीं रहते हैं, 12 बजे तक आरती के बाद ही जाते हैं और कई सालों से आ रहे हैं। मेरे को 40 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए, कम से कम मैं 40 सालों से यहाँ मंदिर में डेली आ रहा हूँ, डेली आता हूँ, जनकपुरी में रहता हूँ। तो नए साल पे ऐसा रश हमेशा आपने देखा? 40 साल, नए साल पे इतना ही रश आ रहा है, ऐसे ही रश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा, हर साल बढ़ जाता कुछ ना कुछ। जैसे पब्लिक को पता चलता है, पब्लिक आना चालू कर देते हैं। आजकल नशा वशा कम करने लग गए लोग, इसी वजह से कहते चलो मंदिर ही चलो, अच्छे अच्छी जगह जाओ, सुबह 1 तारीख को दर्शन यहीं करो आके।
पहले दिन के नए साल के दर्शन रात को 12 बजे लोग यहीं आकर करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बड़े मौजूद हैं। वो युवा आए हुए हैं मंदिर में माथा टेकने के लिए। अभी पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखाएं कितनी भारी संख्या में युवा भी मौजूद है यहाँ पे। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कहेंगे? ये सब की भावना ही यहाँ पे, कई सालों से ये लोग आ रहे हैं, सेवादार यही है, कई जितने भी हैं ये इनका परिवार है सारा। ये जैसे जैसे लोगों को बताते हैं वैसे वैसे लोग आते हैं यहाँ। बिल्कुल, हम देख सकते हैं विक्रम जी कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है राजधानी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत इसकी मान्यता है और एक नियम सा है, लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से हमने बुजुर्ग को सुना कि शांति मिलती है नए साल का आगाज वो झंडे वाला मंदिर से ही करते हैं, और खास तौर पर नए साल के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की गई है हर जगह, और हर जगह तैयारी की गई। तो ऐसे में दूरदर्शन परिवार कैसे पीछे रह सकता है? डीडी न्यूज के न्यूज रूम में भी खास तैयारी की गई नए साल के जश्न के लिए। सब लोग अपने परिवार के साथ इस वक्त नया साल मना रहे हैं, लेकिन इस वक्त दूरदर्शन के डीडी न्यूज के न्यूज रूम में लोग मौजूद हैं जो अपना दूरदर्शन परिवार के साथ नए साल का स्वागत करें। चंद्रशेखर स्टूडियो से उठ के अब न्यूज रूम पहुंच चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर वहां मौजूद सभी लोगों को, हमारे सभी कलीग्स को, हमारे सभी दोस्तों को। जी चंद्रशेखर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दूरदर्शन परिवार के सदस्य? और दुनिया में की गई है उसी तरह हमारे रूम में भी यहां पर काफी तैयारियां की गई हैं। हालांकि अभी देर रात का वक्त है तो अभी थोड़ा सा स्टाफ कम रहता है, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे आपको न्यूज रूम में किस तरह की तैयारी की गई है वो हमारे कैमरामैन एक बार आप को दिखा देंगे कि किस तरह से हमने अपने पूरे न्यूज़ रूम को सजाया हुआ है। कल सवेरे जब पूरा स्टाफ आएगा तो वो लोग यहाँ पर आकर पूरा नए साल की जो स्वागत है वो करेंगे। और फिलहाल इस वक्त पर कई सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी अभी मैं बातचीत करूँगा। फिलहाल आप देखिए ये किस तरह से हमने पूरा डीडी न्यूज़ का जो न्यूज़ रूम है उसको सजाया हुआ है। कई सारे लोग जो इस समय हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, हालांकि हम दर्शकों को बता दें कि हमारा जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो इंजीनियरिंग स्टाफ अपने काम पे लगा हुआ है, कैमरामैन अपने काम पे लगे हुए हैं और दूसरा जो स्टाफ है वो भी अपने काम पे लगा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सबसे पहले दीपक जी हैं, इस समय हमारे ड्यूटी एडिटर हैं, इनसे हम जानेंगे। दीपक जी, 2023 आ गया, क्या कुछ सोच रहे हैं? अरे अभी तो पूरे देशवासियों को डीडी न्यूज़ की तरफ से नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम देर रात हमारा पूरा डीडी न्यूज़ की टीम रुक के आपको ये लाइव शो दे रही है डीडी न्यूज़ और डीडी न्यूज़ दोनों चैनल पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते। तो हम चाह रहे हैं पूरे देश के लिए, डीडी न्यूज़ के पूरे स्टाफ के लिए भी ये साल एक नया हर्ष लेके आए, सबकी ज़िंदगी में खुशी और सब लोग स्वस्थ रहें। और इस साल तो 2023 में G20 का अध्यक्ष है भारत और बहुत कुछ होना है G20 को लेकर के पूरे देश में, तो दूरदर्शन पूरी तरह से तो हम लोग दर्शकों को दिखाएंगे सब। जी बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारियां हैं हमारी 2023 में, ऐसे हमने बताया G20 की अध्यक्षता है तो हमें उसको लेकर प्लान करना है। सारे हमारे अगर जो स्टाफ है वो स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी अच्छे से कर पाएंगे सारा हमारा कवरेज। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड विशिंग यू अगेन अ हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, शीतला हमारे साथ हैं, ये सब हमारे साथ हैं और ये लोग आप अभी जितने पैकेजेज आप लोग देख रहे थे जो नए साल को लेकर के, ये सब इन्हीं लोगों ने तैयार किए हैं। लेकिन अभी हम न्यूज़ रूम और डीडी न्यूज़ के अलावा अगर आपसे पूछें पर्सनली क्या कुछ आपने नए साल के लिए सोचा हो? सबसे पहले मैं तो सभी डीडी न्यूज़ के दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। और आज का जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही शानदार रहा। जिस तरह से देश में हमारे सीमा पर हमारे प्रहरी जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं और उनका लाइव कवरेज चलाना, उनके फुटेज को चलाना, ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण था। जिस तरह से वे मुस्तैद है और हम मुस्तैद है, बहुत ही सराहनीय काम रहा हम लोगों का। बिल्कुल, चंद्रशेखर जो इस वक्त हमारे स्टूडियो पैनल पे जो पीसीआर में जो प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स मौजूद हैं वो भी चाहते हैं कि आप उनका भी जिक्र करें। उत्साहित है, एक्साइटेड है हम लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए आप सब लोग एक बार हैप्पी न्यू ईयर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच में है। और जैसा कि अभी मैं खुद ही स्टूडियो में मौजूद था, 2022 में हमने देखा भारत ने जो पूरी दुनिया में भारत ने अपना परचम लहराया है, विभिन्न हम विषयों की बातचीत करें तो 2023 के लिए जैसा कि अभी दीपक भी बोल रहे थे काफ़ी ये महत्वपूर्ण 2023 रहने वाला है, क्योंकि 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष होगा और 2021 और 2022 में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है, जो कोरोना महामारी थी जिससे अभी कई देश अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन भारत ने उस कोरोना महामारी को हराया
भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, भारत ने उस वैक्सीन को अपनी जगह जगह पर, ऐसे ऐसे इलाके भारत में हैं जब दूरदर्शन न्यूज़ में हमारे पास फुटेज आता था अरुणाचल प्रदेश के तवांग से, जीरो से, हिमाचल प्रदेश के लाहौल से, स्पीति से, हम देखते थे कि किस तरह से बर्फीले, खूब बर्फ पड़े हुए रहती थी और उसके बावजूद जो वैक्सीनेशन के लिए टीम्स वहाँ पर जाती थी। तो भारत ने ये करके दिखाया और 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष होगा, तो भारत जिस तरह से नेतृत्व दे रहा है पूरी दुनिया को, हम सब आशा करते हैं कि 2023 में भारत का ये नेतृत्व जारी रहेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, और ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में भारत ने जिस तरह से वैक्सीन गुरु बनकर एक नेतृत्व की भूमिका निभाई वो काबिले तारीफ है और उसका जिक्र कई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हो चुका है। और एक बार फिर हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि जिस लगातार जिस कोरोना महामारी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस अदृश्य दुश्मन का हम जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर वो कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है। तस्वीरें हमने देखी जोश की, गर्मजोशी की, लोगों के थिरकते हुए, पूरे देश से तस्वीरें इस बता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बहुत ज़्यादा भीड़ जो नजर आ रही है वो कुछ ना कुछ आपको एक मन में संदेह और डर भी पैदा करती है। तो यहां पर एक जिम्मेदारी भी है इस जश्न के पीछे, इस माहौल के पीछे एक जिम्मेदारी भी है जो हमें निभानी है। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर हम 2021 और 2022 की बात करें तो भारत में लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। हाँ, अभी कुछ ही समय पहले जिस तरह से चीन में जो हालात देखे, उसके बाद फ्रांस में, ब्राजील में, जापान, कोरिया, अमेरिका, इन देशों में मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए आपने देखा कि जब दो साल के दौरान में जब कोरोना महामारी रही थी, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रंट पे आए थे, उन्होंने पूरे देश को लीड किया था हर मामले में कोविड से लड़ने के, तो एक बार हमने देखा कि इस बार भी अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री की ओर से एक बैठक की गई। उसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ बैठक की है, और आज की भी ये खबर है कि जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं उनकी ओर से एक बैठक की गई है। बिल्कुल, कोविड महामारी का डर जरूर है लेकिन हम तैयार हैं और बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमने पहले भी इसको हराया है और लगातार हम इसे हराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर न्यूज रूम से जुड़ने के लिए और हमें डीडी न्यूज परिवार और सदस्य से मिलवाने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को डीडी न्यूज न्यूज रूम दिखाने के लिए। इस वक्त सीधे रुक करेंगे रमा का। रमा हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत बधाई नए साल की, हैप्पी न्यू ईयर। रमा इस वक्त मौजूद हैं एर्नाकुलम में, उनसे जुड़ेंगे। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें पूरे देश से किस तरह से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। देश भर के जो पर्यटन स्थल हैं वो खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और एक बहुत ही सही समय है जो तमाम जो होटल मालिक हैं, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, दुकानदार हैं, वो सब यकीनन इस वक्त काफी खुश हैं। बहुत बिक्री हुई है, नए तोहफे खरीदे हैं लोगों ने, तो इस वक्त काफी अच्छा माहौल है और यही माहौल अगले पूरे साल तक बरकरार रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। रमा का रुख करते हैं कि देखते हैं किस तरह से रमा इस वक्त नए साल का जश्न मना रही है। जी रमा, हैप्पी न्यू ईयर। कोची में एर्नाकुलम में मैं मौजूद हूँ और पूरा यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अगर अपने कैमरा पर्सन आरके को मैं कहूँ वो आपको दिखाएं किस तरह से दुल्हन की तरह यहाँ पर सजा हुआ है, नए साल का मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो युवा है यहाँ पर वो कितने खुश है। अभी यहाँ पर इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ पर नाच कर गा कर नए साल का जश्न मनाया है और अभी भी यहाँ पर सभी को नए साल का मुबारकबाद देने के लिए ये लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी उत्साह है यहाँ पर। और जय मैं बताऊं कि इतनी भीड़ यहाँ पर लोगों की है क्योंकि कोची को अगर माना जाए तो ये अपने आप में, अगर केरल की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, केरल की जो कमर्शियल हब इसको यहाँ पर बताया जाता है और देश के 6 बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, तो यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी और लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में अभी भी सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे, तो भीड़ भाड़ है, नया उत्साह है लोगों में और नया साल मनाने के लिए यहाँ पर लोग पूरे जोर शोर के साथ मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर किस तरह से कितनी जो रौनक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जया बिल्कुल रमा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नए साल के जश्न में लोग डूबे हैं क्योंकि दो साल के बाद उन्हें ये मौका मिला है कि घरों से बाहर निकलकर एकदम खुले तौर से गर्मजोशी के साथ नए साल मनाएं।
आपके पीछे मुझे युवा भी दिख रहे हैं, जरा उनसे ये भी पूछिए, एक कस्टमरी सवाल तो होता ही है कि नया साल है तो क्या रेजोल्यूशन है, क्या तैयारी है, क्या सोच है 2023 की उनकी? बिल्कुल, लगातार हम इनसे ये सवाल कर रहे हैं, आप मुझे बताइए नए साल में आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का उत्साह आप में है, क्या नया कुछ करना चाहते हैं? बहुत कुछ नया करना है ये साल, तो मैं सोच के रखा हूँ कि मेरे लाइफ में जो कुछ बिछड़ गया है, जो मैं करना चाहता था जो हो नहीं पाया, ये साल मैं पूरा करूँगा, ये मैं पूरा गारंटी है कि मैं करके ही रखूँगा, ये साल मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तो देखिए कितना इनका डिटर्मिनेशन, देखिए कि इस बार मैं करके ही रहूंगा जो पहले नहीं कर पाया हूँ। आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं? मैं भी ऐसे ही कुछ बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुछ होता नहीं हाथ में, बात में करना चाहता हूँ मैं। ये आपने क्या लगाया हुआ है? यही ऐसे ही स्टाइल में लगा दिया में। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी यहाँ पर जो युवा है उनमें काफी उत्साह है, और वो कहते हैं कि जो वो पहले नहीं कर पाए हैं अब वो करने की पूरी तरह से इच्छा है, और यही नए साल का जो एक रिजोल्यूशन होता है वो सबके मन में यहाँ पर है कि जिंदगी जो है वो चलती रहती है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे और खुशियाँ उसमें भरनी है, जो नकारात्मकताएं हैं उन्हें पीछे छोड़ना है, जो खट्टी मीठी यादें हैं उनसे सबक लेना है और आगे बढ़ना है। जया, बिल्कुल रमा, जो हमारी खट्टी मीठी यादें हैं उनसे सबक लेना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया रमा हमसे जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम युवाओं को इस वक्त देख रहे थे, सुन रहे थे, वो चाहते थे कि हमें बहुत कुछ करना है, जी हाँ, एक यही गर्मजोशी, यही जोश के साथ नए साल का स्वागत इस वक्त हम सभी कर रहे हैं। यकीनन एक अलग स्वाद, एक अलग जायके के साथ नया साल का हम स्वागत कर रहे हैं। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2022 चाहे जैसा भी रहा हो आपके लिए, लेकिन साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। इसी विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। तो देखिए सपने और जुड़ जाइए उसको पूरा करने के लिए। देख रहे हैं हम अपने आसपास लोग उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया भर में जिस तरह से नए साल का स्वागत किया जा रहा है, तस्वीरें लगातार आनी शुरू हो गई हैं, किस तरह से जश्न में डूबे, कुछ लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर थिरक के अपने दोस्तों के साथ झूमकर नया साल मनाया, तो कुछ लोगों ने अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर नया साल मनाया। इस वक्त उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा है तो कई लोग अपने घर में ही रहे और घर में टेलीविजन स्क्रीन के साथ बैठ के उन्होंने नया साल मनाया, और उनका साथ देने के लिए हम भी मौजूद थे। और तो किस तरह से पूरे देश में और पूरे दुनिया में नए साल मनाया गया उसकी एक झलक आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं। थाईलैंड में नए साल का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, नए साल 2023 का शुभारंभ हुआ आतिशबाजी के साथ, आसमान नहा गया इस रंगीन आतिशबाजी में। और देश ही नहीं और हम देख सकते हैं विदेशों में भी नए साल का जश्न बेहद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे में नए साल का जश्न देखने ही लायक था। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई इमारतें, आसमान बेहद शानदार, आतिशबाजी बेहद भव्य। और ये तस्वीरें हैं हांगकांग की, जहां की तमाम गगनचुंबी इमारत भी नहाई गई रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी में। हांगकांग में नए साल का जश्न। नए साल का जश्न इस वक्त पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, जगह जगह विभिन्न जगहों पर लोगों की भीड़ जुटी है, तमाम पर्यटन स्थल बेहद खचाखच भरे हुए हैं, व्यवसायी, होटल मालिक, वेंडर्स, खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट सब फुल है, हाउसफुल है और सभी बेहद खुश हैं।
नए साल की बात हो, ऐसे में गोवा का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो आइए चलिए आपको लिए चलते हैं गोवा, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता मेघना। मेघना हैप्पी न्यू ईयर, और गोवा में मौजूद है आप, थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है मुझे इस वक्त, हम यहाँ पर दिल्ली में ठंड में हैं। आप बताइए किस तरह से मना रही हैं हैप्पी न्यू ईयर? जय, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खासकर सारे हमारे जो व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और जिन्होंने हमारे साथ नया वर्ष अपनी शुरुआत की है। यहाँ पर गोवा में मौजूद हूँ, कैंडोली में मौजूद हूँ, इससे थोड़ी देर पहले मैं पंजिम में थी। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरीके से लोग नया वर्ष मना रहे हैं। सबसे अहम बात है, चूँकि सैटरडे संडे 31st और फर्स्ट सैटरडे संडे पर है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जो ड्राइव करके गोवा आए हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, अलग अलग जगहों से लोग ड्राइव करके गोवा आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस बार डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी गोवा में है, और ना केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी भारी संख्या में गोवा में नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, आप नया वर्ष मनाने आए हैं, नया साल मनाने आए हैं, कैसा अनुभव है गोवा में, किस किस्म का एक्साइटमेंट है, कैसा एंजॉयमेंट है? आई मीन इट्स गुड, इट्स अमेजिंग, एंड गोवा इज वेरी स्पेशल फॉर अस। So we all four friends, we drove from Bangalore to here. और बहुत ही fun था, this is the second time we are celebrating in exact same place. So kind of a tradition. So I think Goa is going to remain a tradition for us. So amazing, yeah, amazing. कई लोगों के लिए, बेशक हम आज कई ऐसे tourists, foreign tourists से भी बात की है, खास तौर पर कई ऐसे काफ़ी सारे tourists यहाँ UK से आए हैं, चूँकि obviously यहाँ का weather बहुत अच्छा होता है गोवा में। North India से काफ़ी सारे tourists आए हैं जो बेहद ही जो तीव्र शीतलहर जो है, एक तरीके से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं नॉर्थ इंडिया में, उससे बचकर जो गोवा आए हैं वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हमें मिले हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो गोवा में बीचेस पर, शैक्स पर, कैसीनोज में, क्लब्स में, रिजॉर्ट्स में, कई जगहों पर बहुत बड़ा जश्न इस बार हुआ है। सबसे बड़ी समस्या लेकिन इस बार इस ये रही कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहा, प्रशासन को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ी ट्रैफिक को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर देखें कुल मिलाकर दो साल के हॉल्ट बाद गोवा साफ तौर पर इस बार पहले जैसा नजर आ रहा है, जगमगाता नजर आ रहा है, और जो जश्न का माहौल है वो साफ तौर पर गोवा में नजर आ रहा है। बिल्कुल मेघना, हम देख सकते हैं तस्वीरें गोवा से, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। एक हर साल लोग गोवा पहुंचते हैं नया साल का जश्न मनाने के लिए और नए साल का आगाज करने के लिए। बिल्कुल मेघना, एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहेंगे, किस तरह से आप वहाँ देख रही हैं कि क्या कुछ रेजोल्यूशंस के साथ लोग नए साल की तैयारी करने में जुटे हैं? साल 2022 को तो कर दिया गुड बॉय, लेकिन 2023 के लिए आगाज करना है तो कुछ तो खास होना चाहिए। शायद हमारा संपर्क टूटा है यहाँ पे मेघना से। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नए साल के जश्न की, जो इस वक्त देश भर ही नहीं पूरे विश्व में नए साल का जश्न बेहद गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, नए साल 2023 शुरू हो गया है और हमने देश की विभिन्न जगहों पर दिखाया कि किस तरह का उत्साह लोगों में है। विदेशों में भी काफ़ी उत्साह है। हमने दूरदर्शन के न्यूज़ रूम में, मैं खुद गया था, मैंने वहाँ पर आपको दिखाया कि वहाँ पर किस तरह का उत्साह लोगों में है, और हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम यानी कि PCR जहाँ से ये सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, वहाँ पर भी हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे इंजीनियरिंग के स्टाफ के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं, उनको भी काफ़ी आकांक्षाएँ हैं 2023 को लेकर के। और अंत में यही कहेंगे कि 2022 और 2021 जिस तरह से कोरोना की महामारी से देश बाहर निकला है और आज खुलकर हर ओर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये जो कोरोना महामारी है इसका डर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चीन की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, ब्राज़ील, कोरिया, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर ये मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में हालांकि देश के अंदर पूरी सतर्कता बरती गई है, प्री एक्टिव हो गया है पूरा देश का सिस्टम,
आपने प्रधानमंत्री की बैठकें देखी, आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को देखा किस तरह से विभिन्न राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो आप लोगों की बनती है, जो माहौल की भागीदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हम पहले भी इसको हरा चुके हैं और एक बार फिर हम इसे करने में सक्षम है। इसलिए पुरानी 2022 और 2021 की चिंताओं और डर को दूर करें बेहद गर्मजोशी के साथ, आकांक्षाओं के साथ नए साल 2023 की शुरुआत करें। नया साल, नई उम्मीदें, नया उत्साह। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। नमस्कार।